अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहनाज पर इंटरव्यू दिया और कमेंट्स किया आसिम रियाज ने। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि शहनाज और आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, इनकी दोस्ती तो हमने बिग बॉस 13 में शुरुआत में देखी थी, लेकिन जैसे जैसे पता चला कि सिद्धार्थ और शहनाज का बाहर तो हैशटैग बन गया, सिद्धनाज का जैसे ही बाहर के कुछ कंटेस्टेंट घर में न्यू आने लगे तो उन्होंने ये खबर पूरे घर में पहुंचा दी। जैसे कि विशाल सिंह आदित्य, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद विकास गुप्ता, शिफाली जरीवाला, इन सब ने कह दिया कि सिद्धनाथ भार तो बस सिद्धनाथ शहनाज सिद्धार्थ शुक्ला ही चल रहे। तो क्या इतनी प्योर दोस्ती को तोड़ दिया था आसिम रियाज ने? सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो भाईचारा था उन्होंने, वो तोड़कर विलेन का किरदार ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, सेकंड पे आए थे आसिम रियाज, लेकिन दोस्तों सेकंड और पे तो हमारी शहनाज ही डिजर्व थी और उनकी जगह ले ली थी आसिम रियाज ने, क्योंकि दोस्तों बिग बॉस ने जो चाल रखी थी ना स्वयंवर वाली, इसके कारण शहनाज को हराने की पूरी कोशिश करी गई। लेकिन दोस्तों फैंस का प्यार था जो शहनाज थर्ड पे आई। लेकिन दोस्तों क्या बोला है आसिम रियाज ने इंटरव्यू में? जी हाँ दोस्तों, जब भी शहनाज का क्यों नया सॉन्ग आता है ना, तो आसिम रियाज का प्रोजेक्ट आता है तो इंटरव्यू के लिए आसिम रियाज सामने आ जाते हैं मीडिया के। तो कई बार मीडिया वाले कहते हैं कि आपने शहनाज का सॉन्ग सुना है, आप शहनाज से मिले, तो इग्नोर कर देते हैं आसिम रियाज। जी हाँ दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट्स में ऐसा किया या नहीं।